अभी चल रही किचन में हमारे नाश्ते की तैयारी। आटा मैंने गूंद लिया है और यहाँ पे देखिए अंडे हमारे देसी मुर्गियों के मैंने वॉश करके यहाँ पे रख दिए। आटा गूंदे होकर तकरीबन 15 मिनट हो गए, तो बस मैं अभी स्टार्ट करती हूँ अपना नाश्ता बनाती हूँ। अभी मम्मा देखिए मैं अपनी रोटी पका रही नहीं बना रही हूँ, अभी मैं इसको चढ़ाऊंगी तवे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक बात बताऊँ, मेरी काफी सारी फ्रेंड्स है और मैं एक अंडा भी बनाऊंगी, वो मेरा अंडा भी देखेंगी कि मैं अंडा कैसे बनाती हूँ और मैं अपनी रोटी भी कैसे बनाती हूँ, और वो मुझे देख के सीखेंगे भी, और वो ये भी देखेंगे कि मैं अपना अंडा कैसे बनाती हूँ, मैं अपनी रोटी कैसे बनाती हूँ। आनिया डेली अपना नाश्ता बनाती है। मैं डेली अपना नाश्ता बनाया करूँगी, आज से मम्मा मेरा नहीं बनाया करेगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। क्या ख्वाब है कि मैं शेफ बनूँ या फिर मैं मेकअप करने वाली बनूँ? अच्छा, आपका क्या ख्वाब है, मैं क्या बनूँ? मुझे, मैंने तो अभी सोचा नहीं है कि आप क्या बनोगी। अच्छा, खाने पकाने का बहुत शौक है आपको? मुझे बहुत शौक है, नूडल्स भी बना लेती हूँ। अब ये है कि ये चाय होगी, ये हो गया, वो हो गया, और क्या बना लेती हो आप? चाय तो नहीं बना सकती। ये सत्यानाश किया हुआ यहाँ पे आटे के साथ, क्या किया हुआ इसने यहाँ पे, है ना? अब बिस्मिल्लाह करते हैं तवे पे रखते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, कब से कह रहे हैं बिस्मिल्लाह करते हैं तवे पे रखते हैं? तवे पे मैं ही डाल के दूंगी, और क्या, ये आप डाल लोगी? एक मिनट में डाल दूंगी। नहीं नहीं, मैं खुद ही डाल के देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी रोटी बनी हुई है, और नेल पॉलिश देखें मैडम ने नेल पॉलिश कैसे, इसको नेल पॉलिश लगाने का शौक है बहुत ज्यादा। तो अभी मैं अपनी पुदीना वाली चाय लेके ऊपर जा रही हूँ, साथ साथ काम भी करती रहूंगी, अपनी चाय भी पीती रहूंगी। नीचे मैंने चाचू को बच्चों को नाश्ता करवा दिया है, और मेरा कुकू कहाँ चला गया है? कुकू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह, कैसे हम सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। दुआओं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और हम सबकी जिंदगी आसान हो। तो इसी खूबसूरत दुआ के साथ अपने व्लॉग को आगाज करते हैं। व्लॉग की जो भी एक्टिविटी होगी वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा और हानिया बैठ के देख रहे हैं टीवी, और हानिया की नाभी मैं आपको बात बताती हूँ कि हानिया मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा परेशान करती है। अब ये देखें कहाँ पे बैठ के ये टीवी देख रही थी, और इसने ग्लासेस बिल्कुल भी नहीं पहनी हुई थी। कहाँ है आपकी ग्लासेस? और डेली का इसका यही काम है, ये कोई पहली बार नहीं है, डेली का इसका यही काम है। यहाँ पे इसने बैठना है टीवी के साथ बिल्कुल सामने, और ग्लासेस भी नहीं पहनने। चलो उठो, जल्दी से उठो, अपनी ग्लासेस ढूंढ के आओ, जल्दी करो, तंग नहीं करो मामा को, उठ जाओ, हैंड दो मामा को, उठ जाओ, शाबाश, जल्दी से ना अपनी पिंक वाली ग्लासेस लेकर आओ नीचे से। और आप कैसे यहाँ पे बैठे रहते हो, टीवी देखने देते हो उसको, वो जैसे ही बैठी रहती है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बात नहीं सुनती, तो आप मामा को बुला लिया करो। अब मैं नीचे काम कर रही थी, ठीक है, और ये यहाँ पे बैठ के ग्लासेस के बगैर टीवी देख रही थी। सच, आप बात नहीं सुनती, इधर आओ, लेके आ गई हो ना? Yes. अच्छी बात है, चलो पहन के फिर बैठो, और बैठना आपने यहाँ पे भी नहीं, उधर सामने बैठना है सोफे पे। हानिया मेरी बात सुन रही हो ना आप? पीछे, हाँ उधर सामने बैठो सोफे पे। तो आज से ना मैंने अपने घर की जो क्लीनिंग है वो शुरू कर दी, और शुरू जो हमेशा जो है ना मैं अपनी धुलाई से करती हूँ, कि जैसे घर के जो बिस्तर वगैरह मैं कहती हूँ वो साफ हो, तो फिर बाद में आराम से सारे पूरे घर की सफाई हो जाती है। तो पहले देखे मैंने ना लाइट ब्लैंकेट है वो मैंने वॉश किया, अभी वॉश करके फिर उसके बाद जैसे बेडशीट्स हो गए, पिलोज के कवर हो गए, और इसके अलावा कुशन कवर्स हो गए, तो सारे जो है ना आज, जैसे मैंने कल शॉपिंग की रमजान की, तो आज जो है मैं सारा ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ये धोऊंगी, फिर उसके बाद जैसे किचन की क्लीनिंग आराम से ना क्लीनिंग हमारी हो जाएगी। जैसे हमारे घर पे मेहमान आ रहे होते हैं तो हम घर को अच्छी तरह से साफ करते हैं, अच्छी तरह से क्लीन करते हैं, इस खुशी में कि हमारे घर जो है ना साफ सुथरा, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। इसलिए रमजान भी हमारे लिए खूबसूरत तोहफा है, बहुत ही खूबसूरत मेहमान है हमारे लिए, एक महीने के लिए मेहमान होता है रमजान हमारे, तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम रमजान में अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। जो भी है आगे पीछे हम नहीं करते, आलस कभी कभी कर जाते हैं, कल कभी करेंगे कभी नहीं, लेकिन रमजान में तो ऐसा होता है ना कि बिल्कुल डीप क्लीनिंग जो होती है आपके घर की। ये जो क्लीनिंग है ना ये करते हुए मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती, मुझे खुशी महसूस होती है कि मैं जितना भी हो सके जल्द से जल्द जो है ना अपनी क्लीनिंग जो है ना वो खत्म करूँ। तो लाइट ब्लैंकेट्स के साथ साथ ना तो मैं अभी इनके कवर भी उतार रही हूँ, उनके साथ साथ इनके कवर भी वॉश हो जाए। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? ये मैं देख रही थी। अच्छा, ये आपने वॉश किया? हाँ ये मैंने वॉश किया, मेरी बात सुनो, आप इधर आओ काम करो, सबसे पहले ना आप अपनी ग्लासेस ठीक करो, उसके बाद जो है ना ये देखो ये दो बेडशीट हैं ये मैंने वॉश किए, और ये पिल्लो के कवर देखो कहाँ है इसके साथ के, एक पिल्लो के कवर, एक मिनट ये छोड़ो मैं देखू ना हानिया, ये बेडशीट है, हाँ हाँ ये रहे, ये दोनों लेकर जाओ अपनी मोह नापी के पास, ठीक है? बोलो मम्मा कह रही कि मैट्रेस के ऊपर ये चढ़ा दो और रूम की क्लीनिंग कर दो, जाओ ये पकड़ो, देखो अभी फिर से भूल के जा रही हो ना, एक उठा के जा रही हो और एक वापस रख के जा रही हो, जाओ मैंने कहा है नीचे जाओ नीचे। जो जो रमजान करीब आता जा रहा है तो रोड्स पे इस तरह रश देखिए ऐसे बढ़ता जा रहा है, और पूरा रमजान ना इस तरह से रश रहेगा, क्योंकि सऊदी अरब से और बाहर से भी जायरीन आते हैं, तो स्पेशल रमजान में बहुत ही ज्यादा रश होता है रोड्स पे, तो रोड्स पे जो रश होता है ये वाला माहौल भी हम आप सबको दिखाएंगे इंशाल्लाह व्लॉग्स में।
अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। बाकी की जो मेरी रमजान की शॉपिंग है, जो बाकी मेरी चीजें रह गई हैं, क्योंकि रात जो मैंने सामान लिया था रमजान के लिए, लेकिन थोड़ा था, सारा नहीं लिया, और एक ही बार में मैं आप सबको दिखाऊंगी, इसलिए रात मैंने आप सबको नहीं दिखाया। मैंने कहा बाकी जो रमजान की मेरी रह गई शॉपिंग वो मैं एक बार में कम्प्लीट कर लूँ, एक साथ मैं आप सबको दिखाऊंगी की मैंने क्या क्या लिया है। अभी मैं जा रही हूँ वही सामान लेने के लिए जो मेरा बाकी का सामान रह गया है। अभी बच्चे आए तो उन्होंने मलाक को संभाला है, तो मैं अभी रात में बाहर निकली अपनी शॉपिंग के लिए, और दिन में मैं बस कामों में बिजी रही हूँ घर की। जैसे सबको बताया कि रमजान की आमद है तो घर की क्लीनिंग में, धुलाई में, बस इस तरह से दिन गुजर गया। अभी फिलहाल जो रोड्स पे रश है ना, ये मार्केट्स का रश है। जो लोग मार्केट्स जा रहे हैं अपनी खरीदारी कर रहे हैं रमजान की, ग्रोसरी की, रमजान में क्रॉकरी की, और यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में तो पूरा का पूरा जो घर का फर्नीचर होता है ना वो चेंज कर देते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से रमजान को वेलकम किया जाता है सऊदी अरब में और बाकी जितने भी गल्फ कंट्रीज है उनमें। खैर हम तो इतना कुछ नहीं कर सकते जितना ये करते हैं, बिल्कुल एक एक चीज जो है घर की चेंज करते हैं, न्यू सामान लाते हैं, पूरे घर में एक अलग ही माहौल होता है इनका, इनके घर में सब जितने भी है ना यहाँ पे जो मैंने देखे हैं तो सब यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, फर्नीचर चेंज करते हैं, एक एक चीज किचन में सब कुछ नया रखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीजें भी देख कर। लेकिन हमसे जो थोड़ा बहुत होता है हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं रमजान को वेलकम करने की। अभी हम मार्केट पहुँच गए हैं और यहाँ से रश आप देख सकते हैं गाड़ियों का, देखें वहाँ तक सारी गाड़ियां गाड़ियां, और ये लाइन देखें गाड़ियों की, इस साइड से भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखें रमजान की तैयारियों का रश है, जो हर किसी के घर में तैयारियां, खूबसूरत तैयारियां चल रही है रमजान की, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है रमजान की तैयारियों का। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह यहाँ पे भुट्टा भी बन रहा है, ये ट्रॉली है यहाँ पे रखी हुई इन्होंने भुट्टे की, और जैसे हम मार्केट से बाहर निकलेंगे यहाँ से भुट्टा भी लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो है ना यहाँ पे बर्तनों पे रश लगा हुआ है, बर्तन लिए जा रहे हैं यहाँ पे, लेडीज की बर्तनों की शॉपिंग हो रही है। और देखें बाकी बर्तन यहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह, ये छोटे छोटे ना ये ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ पे अभी मैं देख रही हूँ रमजान के बर्तन माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, और ये देखें ये भी बहुत खूबसूरत प्लेट है, सारे रमजान के लिए आए हुए हैं, और ये वाले भी प्यारे, ये सारी न्यू कलेक्शन है स्पेशल रमजान के लिए। अभी मैंने इन्हें कहा है कि बर्तन ढूंढने में मेरी हेल्प करें। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं रमजान के लिए दस्तरखान लेने के लिए, और यहाँ पे ये सारे जितने भी दस्तरखान हैं ये स्पेशल रमजान मुबारक के लिए बनाए गए हैं। तो अभी मैं यहाँ से कोयले ले रही हूँ घर में बखूर जलाने के लिए, जो क्योंकि घर पे मेरे पास जो थे ना वो खत्म हो गए हैं, काफी टाइम पहले खत्म हो गए हैं, तो इसलिए काफी दिन हो गया, मैंने काफी दिन नहीं हो गए बल्कि एक महीना हो गया मैंने घर में बखूर नहीं जलाए, बस इन कोयलों की वजह से कि मैं बाहर आई नहीं, लिए नहीं, और घर में फिर बखूर जलाए नहीं। अच्छा ये मुझे याद नहीं थे, बस मेरी आंखों के आगे से आए हैं तो मैंने देख लिया, फिर मुझे याद है कि हाँ ये तो बहुत जरूरी थे, कितने टाइम से घर पे नहीं थे। कौन से वाले सही है? ये पिंक वाले ले लें जो आपने हाथ में पकड़े हुए हैं नीचे जो है, ये वाले, हाँ ये वाले ले लें। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान के गिलास मिल गए हैं, जो कि कल मैं मार्केट में ढूंढती रही हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, देखें सारे जो है ना ये सारे रमजान के हैं माशाल्लाह। तो अभी मैं आ गई हूँ लाइट्स देखने के लिए, तो आखिरकार इतने सारे रश में हम काउंटर तक पहुँच गए, हमारा बिल अभी बन गया है, और बस अभी हम सामान लेके यहाँ से निकलते हैं मार्केट से। और ये देखें लाइट्स कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह, मुझे ऐसी लाइट्स चाहिए थी लेकिन बिल्कुल ना मुझे ऐसी लाइट्स नहीं मिली, बहुत कोशिश की है मैंने ये ढूंढने की लेकिन ऐसी अंदर नहीं थी। मार्केट से बाहर आ गए, मैंने खाना था भुट्टा, मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड चले भी गए हैं गाड़ी के पास, मुझे भुट्टा खाना है, मैं वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ और आप आ गए मुझे बताए बिना। हाँ तो फाइनली मेरा भुट्टा आ ही गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत गरम गरम है, गरम गरम भुट्टा देख के ना मुझे अब सर्दी की याद आ रही है, लेकिन खैर यहाँ पे भी अब इतनी गर्मी आई नहीं है, हल्की हल्की सर्दी अभी यहाँ पे भी है। आते ही ना मेरा लाल आ गया, मेरा लाल माँ मेरे वो स्टोर, आप मेरे वो स्टोर कब लाई? वो तो मैं आपके लिए नहीं लेकर आई, नहीं लेकर आपके लिए मैं कुछ और लेकर आई, सच्ची अब नहीं लेकर, सच्ची नहीं लेकर आई। और आप मेरे लिए क्या लाई है? अच्छा आपकी कमी थी? हाँ आपकी कमी थी बस। मेरे लिए क्या है? आपके लिए, आपके लिए मैं क्या लेकर आई हूँ? आप सोचो, आप गेस करो क्या लेकर आई हूँ मैं हानिया के लिए। खिलौना? खिलौना नहीं, हम ना मैंने लाइट्स लेकर आई हूँ, हम रमजान के लिए बहुत सारी लाइट्स जलाएंगे ऊपर। खुश नहीं हुए आप? खुश हूँ। खुश हो? सच बताओ मेरा लाल खुश है? ओए कुकू मुस्तफा, ये हमारे कुकू का है ना? हाँ। क्या हुआ है कुकू को? एक गिर गया होगा गलती से गलती से मैं सद के कुकू, ओए मेरा कुकू
और ये मेरी मोना भी आ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब बैठ के खाना खा रहे हैं रात का। ये पकड़ी मिर्ची आपके, हरी मिर्च के बगैर इन्होंने खाना खाना ही नहीं है। हरी मिर्च के साथ ही खाना कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मेरी प्यारी मलाक सोई हुई है मजे से, सुकून से। ये आप क्या कर रही हो मुझे ये तो बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये मैं एक छोटा सा खाना बना रही हूँ। खाना बना रही हो? खाने में क्या क्या बना हुआ है? टमाटर डले हुए हैं और ये क्या है? छोटा बहुत पुदीना डाले हैं, इसके ऊपर से भी लेमन डालना है और भी बहुत कुछ डालना है। कहाँ से सीखा है ये रेसिपी मुझे तो बताओ, कहाँ से सीखी है ये? फाइव मिनट क्राफ्ट से सीखी है ये? फाइव मिनट। अच्छा वहाँ पे ऐसे ये सैलड बनाते हैं ये क्या है? सिखाया गया थोड़ी हानिया ने सीख लिया। सुबह इसने रोटी क्या बना ली तो बस अब किचन में घुसी हुई है कि मैंने कुछ ना कुछ बनाना है। और ये रेसिपी देखिए इसकी, पुदीना और टमाटर की। अभी मैं और भी बहुत कुछ डालना, प्याज डालना, आलू काट काट के डालना, फिर आप मुझे आग जला के देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैंने पका के उसे खाना है आराम से रोटी के साथ, जो आपने सुबह सुबह बनाई थी। अच्छा रोटी भी सुबह वाली खानी है? अभी है रोटी फ्रेश फ्रेश मैंने नहीं खानी, घर वाली। और आप क्या कर रहे हो? हाँ आपको पता है, काम देखिए, इसकी रेसिपी देखिए, वहाँ पे धुल भी रही है, रेसिपी भी बन रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये बच्ची कर क्या रही है यहाँ पे। रेसिपी इतनी अच्छी बताओ। हाँ मैं आपको कह रही हूँ, आलू नहीं काटोगे आप, चीजों को जाया कर रही हो। मैं जाया नहीं कर सकती। नहीं सच में जाया कर रही हो, रख दो। मेरी बात सुन रही हो आप? छोड़ दो, आधा काट दे। जरूरी नहीं। अच्छा मुझे बताओ ये खाएगा कौन, कच्चा आलू टमाटर में? ये पकाऊंगी ना। अच्छा अभी पकेगा वहाँ पे? हाँ पकेगा अभी। ये तो मेरा सर खा गई है। अच्छा बात तो सुनो, अब्बू आपको कह रहे हैं कि अब्बू के ब्लॉग का एंड कर दो। ठीक है चलो, आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर। ये नहीं, ये तो मेरा है, ये मेरा ब्लॉग है। अच्छा, ये मेरा है। अच्छा, हाँ अब्बू के ब्लॉग को एंड कर दो, ठीक है, उनके मोबाइल से। सही है, ठीक है। और यहाँ पे इस कार्टन की हो रही है, क्या हो रही है? छानबीन हो रही है। जो खराब है वो इधर मुर्गियों के रखे जा रहे हैं कि मुर्गियों को डालेंगे, और जो फ्रेश है वो दूसरी साइड में उसमें जा रहे हैं। उसके बाद जो है इनको हम वॉश करके फ्रिज में रखेंगे। और यहाँ पे मुस्तफ़ा अपने पापा की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आज सारा दिन मैंने बहुत काम किया, तो इसलिए मैंने इन्हें कहा कि थोड़ी बहुत हेल्प मेरी कर दें किचन में। मेरी मलाक उठ गई है, मेरा सोना बच्चा। हाँ भूख लगी है उसे, भूख लगी है। नहीं 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 देना उसे, नहीं देना। एक मिनट मैं उठाती हूँ उसे। मेरी जान छोटी सी, मुझे याद आ रही थी कितनी देर से सो गया था मेरा बच्चा। मोना को ना सबसे ज्यादा याद आती है मलाक की, है ना? है ना, मेरे उठाने से पहले मोना ने आके इसको उठा लेना है और इसको चुमियां देना शुरू हो जाती है। ये मेरी छोटी सी बच्ची को, मेरी जान को, छोटी सी को। हाँ जला दे। इसका ना खाना नहीं बना अभी तक, क्या करें? मैंने मुझे दे दो, मुझे दे दो। सबने खाना खा लिया और हानिया की कुकिंग अभी तक चल रही है। पता नहीं ये क्या बना रही है, क्या? ये देखें, ये सब कुछ गिराया है इसने, बन क्या रहा है ये कुछ पता तो चले। ये हमेशा ना 5 मिनट क्राफ्ट जो होता है ना, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ देखती रहती। ये पता नहीं अब इसने क्या देख लिया, अब ये बना रही है कोई रेसिपी, और बार बार मुझे यही कह रही है मेरी वीडियो बनाएं और मेरी रेसिपी शेयर करें, जो भी देखेंगे मुझसे सीखेंगे। सच मेरी दोस्तों मुझे देखेंगे। हाँ दोस्तों का नहीं, झूठ मत बोलो। इधर मैं तुम्हारा हाथ जलाऊं, डरो जल्दी आओ। ऐसे बोलते हैं भैया को? नहीं नहीं, एक दिन मैं दुनिया की बहुत बड़ी शेफ बन जाऊंगी, मेरा सपना है शेफ बनने का। अच्छा पता नहीं कितनी बार आप ये बात बोल चुकी हैं आज मुझे, शेफ बोल रहे, शेफ बनने की कॉपी कर रही है जब कभी। आज पूरे दिन ना इसने ना मुझे तंग किया है कुकिंग का, पता नहीं आज कौन सा इसके ऊपर भूत सवार है। आज मैं बोलती हूँ कि आज ना जो है ना हानिया के ऊपर ना कुकिंग का भूत सवार है ना। नहीं नहीं रखो पापा, थोड़े बहुत चिपक नहीं जाते ना, तभी कुछ चिपक ही नहीं जाते, तो ये नहीं, ये अभी तक पक्के नहीं है, जब तक ये थोड़े बहुत चिपक। और मैं से बार बार कह रही हूँ यहाँ से निकलो वो ना, अभी तुम्हारा हाथ जल जाए, लेकिन ये बच्ची ना मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती, है ना? बोल दो ना सबको कि हैने मेरा कहना नहीं मानते, बोल दो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा सुन रहे हैं क्या कह रही है अभी? ये बोलती है तो मेरी दोस्त है ना, वो मुझे देखेंगी फिर जब मैं जाऊंगी तो वो मेरी यूं करके फोटो खींच लेंगी, बोलेगी ओ हानिया ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हारा हाथ जलाऊं, इधर आओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ताजे टमाटर जो है अभी धोए हैं, वो बहुत इनका जो कलर है बहुत प्यारा लग रहा था, तो सोचा आप सबको भी दिखा दूँ। तो ये मैंने सैलेड के लिए अलग से रखे हैं वॉश करके। खाना खा के ये अब ये खाना खिला रही बहुत लजीज माशाल्लाह बहुत लजीज बना है। बस सुनिए अपनी तारीफ। ये लें चाचू चाय आपकी।
आ गई है। मजेदार हानिया का खाना मजेदार बस मजेदार। बच्चों को चाय देने के बाद अभी मैं ऊपर जा रही हूँ अपने हस्बैंड की चाय लेकर। उठ जाए आपकी चाय आ गई, चाय लेके आ गई हूँ मैं। तुम ना मैं मना कर खाना खाने के बाद की जो चाय होती है ना वो लेकर आ गई हूँ मैं। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। उठ जाए अभी मैं बना के ले आई हूँ। हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगे। हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? आज का जो व्लॉग है ना वो दरअसल मैं अभी सुबह में एंड कर रही हूँ, रात को मैंने एंड नहीं किया था क्योंकि रात में काफी थकी हुई थी। और इसके अलावा दूसरी ये बात कि जब ये पता चला कि अम्मी नहीं आ सकी सऊदी, उस वजह से मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था, बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि अम्मी इतने टाइम से थी और अभी नहीं आ सके। उसकी जो वजह ये बनी, अम्मी के पासपोर्ट का शायद कोई मसला हुआ इस वजह से। तो इनशाला अभी पासपोर्ट जो है ना अम्मी का वो बनवाएंगे, तो आ जाएंगे अम्मी इनशाला जल्दी। जाहिर बंदा जब तैयारी करता है आता है एयरपोर्ट पे आता है फिर वहाँ से तरह से तैयार होकर वापस चला जाता है तो वो एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मुझे जब से पता चला कि अम्मी आ रहे हैं तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी कि अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अम्मी को मिलने जाऊंगी, अम्मी को ले आएंगे घर। लेकिन आगे पता नहीं कि क्या होता है, देखते हैं। इंशाल्लाह व्लॉग करते एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।